देखते हैं कितनी देर में यहाँ से चलेंगे हम। पंगा हो गया, देखो गाड़ियाँ रुक गई सारी, वो एक्सीडेंट हो गया। ये बस वाला बहुत ज़्यादा रफ कर रहा है, ये ड्राइविंग बड़ी रफ कर रहा है। फौजी होगी, बारिश हो चाहे तूफान हो, ये खड़े रहते हैं हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए। चार ऑफिसर बाहर चेक कर रहे हैं। हम पहुंच गए थे अपने रूम में, हमने रूम यहाँ पे ले लिए हैं। बाहर पड़ रही है बारिश, अभी हम थोड़ा घूमने निकले हैं। कोई बंदा 50,000 निकालेगा वो हाथ से छीन के भागेगी, हम पीछे करेंगे। जितनी भी उधारी बाकी है सबकी दो गले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो बहुत ज़्यादा स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज तीसरा दिन है अमरनाथ यात्रा के लिए हमारा। तो कल हम यहाँ पे रुके थे मिलिट्री बेस कैंप पे, और आज दिन आया यहाँ से निकलेगा, हम जाएंगे आगे की ओर, पहलगाम पहुँचेंगे आज। क्या पता हम आज ही चढ़ाई शुरू करें या फिर हो सकता है कल भी कर सकते हैं। सो अभी तो इनका अलर्ट शुरू हो गया है, फौजियों ने हमें उठा दिया है। टाइम कितना हो गया, 2:30 बज गए हैं, 2:30 बज चुके हैं और अभी हम निकलने वाले हैं। मैंने फेस तो साफ़ कर लिया है, नहा नहीं पाया हूँ बिकॉज मेरे कपड़े हैं गाड़ी में, गाड़ी बहुत ज़्यादा दूर खड़ी है। अब ट्राई करेंगे हम वहीं पे जाके नहाएंगे यात्रा करने से पहले। सो देखते हैं अभी तैयार हो गया सब क्या बनता है। लोग चल जा रहे हैं अभी अपने अपने वाहनों की ओर। हम नीचे निकल पड़े हैं, हमारे कुछ फ्रेंड्स अभी नीचे हैं, वो भी आ रहे हैं, और अब हम गाड़ी में बैठते हैं, देखते हैं सामान वगैरह सेट करेंगे अपना। तो देखते हैं कितनी देर में यहाँ से चलेंगे हम। भीड़ बहुत हो रखी है, सब लोग आ रहे हैं निकल के और गाड़ी में बैठे हैं। कृपया करके मेरी सीट छोड़ दीजिए, वीडियो कैप्चर करनी है बड़ी अच्छी अच्छी। फाइनली हम सीट में आ चुके हैं। पंगा हो गया, देखो गाड़ियाँ रुक गई सारी, वो एक्सीडेंट हो गया। बस वाला बहुत ज़्यादा रफ कर रहा है, ड्राइविंग बड़ी रफ कर रहा है। यहाँ पे होते हैं सबकी चेकिंग होगी, फिर यात्रा शुरू होगी। पंचर की बारिश हो रही है बट ठीक है। फाइनली हम गाड़ियों से उतर गए हैं। अभी मैंने टेम्परेली अपने लिए रेनकोट तैयार किया है गाड़ी से ही, अब मैं रेनकोट खरीदूँगा, क्योंकि जो मैं पहले रेनकोट लेके गया था ना अपना केदारनाथ, वहाँ पर जो रेनकोट था वो थोड़ा भारी था, इस कारण मैं थोड़ा और देखूँगा रेनकोट थोड़ा हल्का सा। इससे पहले हम चेकिंग करवाएंगे यहाँ पे, ये देखो बेस कैंप लगाए तो ऐसे इनकी ड्यूटी होती है फौजी साहब की, फौजियों की। बारिश हो चाहे तूफान हो, ये खड़े रहते हैं हमेशा हमारी सुरक्षा के लिए। यहाँ पे होती है चेकिंग, बिना चेकिंग के आगे नहीं जाने दिया जाता है। यहाँ पे अपने सारे फॉर्म वगैरह और आई कार्ड वगैरह होना चाहिए, लोगों की चेकिंग होती है सारों की। और इधर से जो गाड़ियाँ निकलेंगी, जिस गाड़ी से हम आए हैं उनकी चेकिंग होगी, फिर आगे गाड़ियाँ बढ़ती हैं, अदरवाइज गाड़ियाँ रुक जाती हैं। दो ऑफिसर अंदर गए हैं और दो बाहर चेक कर रहे हैं, तीसरा ही बाहर चेक कर रहे हैं, चार ऑफिसर बाहर चेक कर रहे हैं। इन रास्तों से हमें आगे जाना पड़ता है, मिलिट्री खड़ी होती है आसपास, बाहर से मिलिट्री घूमती है और हम इस रास्ते से बेस कैंप की तरफ जा रहे हैं। और ये मैप है बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए। गाइस, अगर आपको जो बेस कैंप है, बेस कैंप पे अगर आप पर रहना है लंगर के आसपास, तो वहाँ पर रहने की सुविधा है, टेंट मिलता है 300 से 350 के बीच में। अगर आप चाहो तो आप थोड़ा बेस कैंप से आगे निकलकर 3 किलोमीटर के करीब पर एक यहाँ पर होटल वगैरह पड़ते हैं आगे जाकर, वहाँ पर आपको 200 से 250 के बीच में अराउंड पर हेड के हिसाब से रूम मिल जाता है। सो आपके ऊपर है, डिपेंड करता है आपको उस साइड ज़्यादा रहना चाहिए या फिर इधर रहना चाहिए, क्योंकि इधर से आपका थोड़ा सफ़र तय हो जाता है और इधर से आसानी से आपको सुबह गाड़ियाँ मिल जाएंगी आगे जाने के लिए।
हम पहुंच गए थे अपने रूम में, हमने रूम यहाँ पे ले लिए। बाहर पड़ रही है बारिश और आज यात्रा का टाइम तो क्लोज हो गया क्योंकि सुबह सुबह भेजते हैं यात्रा के लिए, क्या नहीं भेजते, हम थोड़ा लेट हो गए आने में। और ये हमारा रूम, हम यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। और बाहर का व्यू देखो आप, गाँव है एक, गाँव में रुके हुए, बारिश हो रही है और हम थोड़ा करेंगे यहाँ पे रेस्ट। पास में हमारे लंगर है, लंगर खाएंगे, खूब मजे उड़ाएंगे, मस्ती मारेंगे। तब ये निकले हैं लंगर देख रहे हैं, 1 बजे लंगर शुरू होगा, एक बजे शुरू होगा लंगर। टाइम क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, टाइम भाई 12:30 हो गया सुबह से, 3 मिनट रह गए पूरे 30 मिनट रह गया। और चाय है यहाँ पे अभी, साथ में मट्ठी भी है, चाय मट्ठी है, आप चाय मट्ठी खाएंगे। इसी पर लगा हुआ है भोले के भगत, तो भाई चाय हमें मिल गई है, श्रीनगर की पहली बढ़िया चाय, श्रीनगर की पहली बढ़िया चाय। अभी हम थोड़ा घूमने निकले हैं और कुछ खाना भी खाएंगे क्योंकि लंगर लगने में 1 घंटा है, 1 घंटा बट लगेगा, तो हम काफ़ी भूखे हैं सुबह से, तो अभी कुछ खा लेते हैं बाहर ही और मार्केट में घूमते हैं। हाँ, मेरे को रेनकोट भी लेना है, एक रेनकोट लेना है। हम डिकैथलॉन से सामान लेके आए थे बट जहाँ पर सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ मिल जाएगा डिकैथलॉन में, तो जो जो सामान मिलता है भाई के पास, जो जो सामान वहाँ मेरा सारा सामान है आपको पड़ा, और वही प्राइस है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ ज़्यादा हमें मिल रहा है कम, वही प्राइस में मिल रहा है। ये दुकान खाने को हमें यहाँ पे कुछ वेजिटेरियन ढाबा कोई मिला नहीं है, सारे ही ऐसे हैं जहाँ पे नॉन वेज और वेज दोनों मिलते हैं, बट ऐसा हम खा नहीं पाएंगे। तो अभी हमने क्या प्लान किया है कि एक मंदिर है थोड़ा और दूर जाके, वहाँ पर लंगर पता करेंगे। और ये हाँ हाँ नहीं फिर नहीं, पर ये इनकी नमकीन भी सलाब चढ़ी हुई है, इनकी नमकीन भी हम नहीं खा रहे हैं, आगे ही देखते हैं कुछ। ये देखो कोई वी आई पी आया है, खाना वाला आ गया, चूरन की मशीनें देखो। हमारा खाना पीना हो गया तो अभी हम जा रहे हैं रूम की तरफ। अब एक दो साथी हमारे और आ गए पीछे से और अब देखते हैं उनसे मिलेंगे, चाबी वगैरह हमारे पास थी इसलिए वो रिसेप्शन में बैठे हैं। अब जाते हुए मैं देखूंगा रेनकोट खरीदूँ अपने लिए, ये जा रहे हैं दोस्तों। हमने और इसके अंदर मैं बैग भी कैरी हो जाऊँगा, सबसे अच्छी बात जिसके घर में ले रेनकोट तो ले लिया है। अब अमन भाई का सिम नहीं चला, अब हम दोबारा जा रहे हैं दुकानदार के पास। और फाइनली हम अपने होटल में पहुंच चुके हैं, उस्ताद जी आ गए हमारे, चलो 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 रूम में। ये दोनों दीदियों की वजह से लेट हो गए हैं और ये ना बिना पूछे चल गया, दोबारा से निकले हैं रूम से और अब हम कुछ खाने निकले हैं बाहर, मस्ती मुस्ती तो कर ली हमने। ये क्या चीज़ है, आगे पता लगेगा, मैं इतना नहीं खाऊंगी, मेरे को थोड़ा आधा लगा दे, ये चीज ली है हमने यहाँ से एक बेकरी से, अलग है हमारे वहाँ पे नहीं मिलती और टेस्टी बहुत ज्यादा है। आप यहाँ से काजू बादाम ड्राई फ्रूट वगैरह सब कुछ ले सकते हो, बहुत कम दाम में मिल जाते हैं यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। तो हम देख रहे हैं मार्केट में कैसे भाव उनका, उसके बाद आपको शेयर करेंगे कैसे कैसे उनका रेट वगैरह है, और फिर जब हमें हमारा घर पे जाने का टाइम होगा तो हम जाते हुए खरीदेंगे उनको। जैसे हमारे चंडीगढ़ में मिल जाता है सब कुछ, बल्कि यहाँ पर जो ज़रूरत के सामान है, जो जो हमें यहाँ पर ज़रूरत का सामान पड़ता है वो सब कुछ मिलता है यहाँ पे। ज़्यादातर यहाँ पे छतरी या फिर रेनकोट वगैरह की दुकानें हैं, वाटर प्रूफ चीज़ें अच्छे रेट में मिल जाती हैं, ठीक है, मतलब ये इतना वो कॉस्टली नहीं है। अगर हम देखें पहाड़ों के हिसाब से तो थोड़ा बहुत लगता है फर्क चंडीगढ़ से और यहाँ पे, बट ठीक है, इनको भी इतना थोड़ा कमाने का हक है। यहाँ पे ढाबे वगैरह हैं, यहाँ पे खाना खाया जा सकता है। तो ढाबे हैं वैष्णो, यहाँ पे प्योर वेजिटेरियन मिलता है, बट ज़्यादातर अगर देखा जाए यहाँ पे तो दूसरे ही हैं, नॉन वेजिटेरियन ज़्यादा हैं। प्रसादों के लिए थोड़ा बहुत खुलना शुरू हो गया, अब आगे आगे थोड़ा और फैसिलिटी मिल जाएगी। होटल से हमने घूमते घूमते बहुत ज़्यादा दूर आ गए हैं और यहाँ का व्यू देखो,
कितना ही अल्टीमेट है ना, मजा आ गया। ये चीज़ देखो कितनी सही लग रही है। लोग काफ़ी खड़े हैं व्यू देखने के लिए। ये सीनरी तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और एक और फोटो में खींचना इन्होंने शुरू कर दिया, तो अभी देखेंगे हम ब्लॉग वगैरह शूट करते हैं यहाँ पे, और एक दो वीडियो बनाऊंगा मैं उसके लिए। और मेरे कुछ दोस्त फोटो खींच खींच के पागल हो गए, फोटो ही खींची जा रहे, फोटो ही खींची जा रहे। हम ब्रिज पे ऊपर घूम के आए हैं, लोकेशन काफ़ी अच्छी थी, मज़ा आया, फोटो वगैरह क्लिक करवाई हम सभी फ्रेंड ने। अभी हम जा रहे हैं अपने रूम्स की तरफ, क्योंकि हल्की हल्की बारिश आनी शुरू हो गई है, और हमें अभी रेस्ट भी करना है, क्योंकि हमें रात को 2 या 3 बजे निकलना पड़ेगा, 2 या 3 बजे मतलब कि उठना पड़ेगा हमें, और 4 बजे तो हमें एग्जैक्ट निकलना ही होगा अगर हमने ऊपर तक पहुँचना है। देखते हैं कल क्या करेंगे हम, अभी चलते हैं रूम में और क्या क्या करते हैं। रूम में तो हम आ गए थे और रात को हमने शुरू कर दी अपनी गेम। जीत का हूँ मैं, एक रहेगा बस, एक आना है फिर जीत जाऊंगा। फर्स्ट नंबर आ गया। ओ यार फाइनल यार। मेरे लिए मनीष क्या लेके आया? मेरे भाई हम सब लेके आए। मनीष मेरे लिए चॉकलेट भी लेके आया, क्या बात है यार, बहुत ख्याल रखता है मेरा। और ये भी, ये पानी लेके आया था थोड़ी देर पहले मेरे लिए, थैंक यू। मुसाफिर को तो बुला लो, थैंक यू, पता था मेरे को भूख लग रही है, खाते हैं। चलो गाइस बताना भूल गया ना, मोमोज दीदी की तरफ से हमें, वो तो दूसरे वाले दीदी की तरफ से चॉकलेट। फोटो अच्छी नहीं आ रही होगी, और दूसरे वाली दीदी की तरफ से है हमें भाई, फोटो एडिट कर देना, फोटो नहीं वीडियो दे दी, काफी सुंदर लग रहे हो आप, या बुला लो। चिल्ला चिल्ला के गला तो खराब हो गया, बट कोई बात नहीं, फिर भी थम्स अप पिएंगे हम, सॉरी 7 अप पिएंगे हम, और थोड़ा और बिगाड़ेंगे गले को, और थम्स अप भी पिएंगे, और रात को साथ में सिर्फ चॉकलेट खाएंगे। एडवर्टाइजमेंट भी हो रही है यहां पे, सारी चीजों की एडवर्टाइजमेंट हो रही है, फिर रात को हम अभी जा रहे हैं खाना खाने, लंगर में जा रहे हैं अभी, वो तो होएगी, अब खाएंगे और सुबह हम निकलेंगे 4 बजे, 3:30 बजे हम तैयार हो जाएंगे, और 4 बजे उबर के और निकलेंगे, जय शंकर भगवान की। चलो लंगर खाते हैं। हमारी अब एक दोस्त ATM आई है वैसे मेरे, क्योंकि कैश की रिक्वायरमेंट है, हमें सुबह खड़े हैं सारे। ये देखो कितने सारे सिक्योरिटी के लिए आए हैं सारे, कितने पैसे निकालने आए हैं, 50,000 वो ना 50,000 निकालने आई है, कोई बंदा 50,000 निकालेगा वो हाथ से छीन के भागेगी, हम पीछे करेंगे। ओ चिल्लरों में वो कह रहे चिल्लरों में निकालने, जितनी भी उधारी बाकी है सबकी दो पहले बचपन से लेके आज तक जड़ छोटी है, मेरे आज के 10,000 दे दो, कहाँ पे है मक्खन, है मक्खन एकदम, मक्खन का है ये तो, काला पड़ा है, अरे मक्खन है, अच्छा मक्खन, हां ये देखो लगाया क्या मक्खन, वो तेरी, ओए दूसरी चीज लग रहा है, ओए ए अन्ना यार ये कप्पा लग रहा है, क्या लग रहा है अन्ना यार ये कप्पा, यार इसको पी ले ले भैया। गाइस मैं अपने लिए ये कैब देख रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में बताओ ये अच्छी लगी या नहीं लगी। इतना कुछ खाने के बाद अब इनो लेके हम सो जाएंगे, पानी ले रहे हैं यहाँ से, पानी हमारा ख़त्म हो गया। इनो ले ली थी, जा रहे थे हम रूम पे, और इनको दिखा कश्मीर का सबसे अद्भुत चीज़ जो रात में पीते हैं, कावा, और ये बना रहे हैं, केसर कुसर डाला है इसमें, सब कुछ डाला है, क्या डाला है अंजीर, इनकी पावर बढ़ाएगी वो। और अब ये हम पियेंगे और उसके बाद रूम पे चलते हैं, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं और सुबह हमें 2 बजे उठना है। अब फाइनली हमारा कावा आ गया और अब हम इसको पियेंगे, पियेंगे, इन्होंने अपने हाथ धोने के लिए लिया थोड़ा सा।